तो दोस्तों बिहार डीलिट एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों बताने आया हूँ कि आज 27 तारीख को आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली थी, लेकिन दोस्तों आप लोग उदास मत हो, ये कुछ का फाइनल मेरिट ला दिया गया है, अधिकतर लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं लाया गया है। तो अधिकतर जो भी है अपडेट आपको 28 यानी कि कल और परसों तक आपको ला दिया जाएगा। ये सारा फाइनल मेरिट लिस्ट आपको 29 तक हार्डली से हार्डली ला दिया जाएगा, और कुछ आज जो जारी किया गया आपको मैं वो बताने आ चुका हूँ। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाधनराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। आगे जाने से पहले तो देख सकते हैं ये राज, तो जो आप सभी के कहने पर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो अगर आप चाहते हैं बिहार डीलिट एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज प्राप्त करना, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे डीलिट गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है, डीलिट बॉयज के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है। और साथ ही दोस्तों आप लोगों के कहने पर मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेज से कंसल्ट किया हूँ, तो बिहार में अगर आप चाहते हैं कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन लेना प्राइवेट डीलिट कॉलेज में, तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे तो सभी कॉलेज का जो फी है आपका सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 है। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना, और जितना ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, ताकि उन सभी तक ये न्यूज मिल जाए। दोस्तों आते हैं आगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ, जो आप देखते हैं डायरेक्ट पूसा समस्तीपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों नीचे आते हैं, दोस्तों देखते हैं ये रहा 27 तारीख के डेट में आपका आर्ट्स के लिए अपडेट किया गया है, फिर 27 तारीख को आप में साइंस के लिए अपडेट किया गया है। ये दोनों दोस्तों आपका अपडेट अभी अभी जस्ट लाया गया है, जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन लिस्ट लाया गया। मतलब क्या है कि इन लोग का डायरेक्ट सिलेक्शन कर लिया गया, इन लोग को 29 तारीख को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये जो लिस्ट आने वाली थी सिलेक्शन लिस्ट आप सभी का 29 तारीख को आने वाली थी, लेकिन जो समस्तीपुर का जो पूसा पड़ता है वहां का जो टाइट कॉलेज है वो एडवांस में 1 दिन पहले ही ला दिया है। सिर्फ और सिर्फ अभी ये यही का पूसा का ही आया है, बाकी जितना भी है अभी तक कोई भी अपडेट नहीं किया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ, उसमें अगर बताऊंगा उससे पहले तो बाकी जो और भी जितना भी है मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका है पटना जो है आपका मसौढ़ी का है, यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं लाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद तो आते हैं नेक्स्ट जो देख सकते हैं आपको, यह कुम्हरारबाग का है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिलिंग होते जा रहा है, जो प्रोविजनल लिस्ट पुराना ही दिखा रहा है। नीचे आते हैं दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आपको पुराना ही अपडेट कर रहा है। उसके बाद तो आते हैं इधर, और दोस्तों मैं जितना भी वेबसाइट को आपको बताता हूँ ये सभी वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। दोस्तों देखते हैं ये भी आपका पूर्वी चंपारण का है, कोई भी अपडेट नहीं लाया गया। नीचे आते हैं जिसके यहाँ पे आप अधिक विद्या सूची जो पुराना ही वाला अपडेट है, नीचे कोई भी अपडेट नहीं लाया गया है। उसको दोस्तों देखते हैं नीचे आते हैं लगभग सभी का मैं ओपन किया हुआ हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजनल का ही अपडेट दिखा रहा है। उसको दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये कहाँ पड़ता है, औरंगाबाद का पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई भी आपका अभी तक अपडेट नहीं लाया गया है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ समस्तीपुर का पूसा का अपडेट लाया गया है। उसके बाद तो आते हैं नेक्स्ट गोपालगंज, यहाँ गोपालगंज भी किसी प्रकार का कोई भी नया अपडेट नहीं लाया गया है। देखते हैं यहाँ पर भी कोई नया अपडेट नहीं है। उसके बाद तो देखते हैं यहाँ पर जितना भी है जो गया, देखते हैं गया का डायरेक्ट कॉलेज दोस्तों यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं आया है। उसके बाद तो देखते हैं यहाँ पर आपका ये भी आपको पड़ता है खगड़िया का, यहाँ पर भी कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो सारा अपडेट तो आपको कब तक 28 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ला दी जाएगा। आप लोग बोल रहे हैं कि 29 तारीख को तो आपका काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट आने वाली थी, जो भी काउंसलिंग का जो प्रोसेस था वो आने वाली थी, तो हो सके तो इस डेट को आगे इंक्रीज किया जाएगा। जहां का जो अपडेट आपका देरी से आएगा तो उसका जो आगे का जो प्रोसेस है कुछ टाइम आपको इंक्रीज करके लाया जाएगा। तत्काल तो मैं बता चुका हूं कि यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ आपका समस्तीपुर पूसा का अपडेट किया है। चलिए मैं उसे भी बताता हूँ डिटेल से क्या क्या किस तरह से अपडेट किया गया है। उससे पहले किसी प्रकार का अगर आपको अभी भी डाउट आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए, उस वो सभी कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, उसी कमेंट के अनुसार मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो जो भी आपका डाउट है कमेंट मुझे जाकर बताइएगा, और इसी बीच वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना। दोस्तों देखते हैं ये थी जहाँ पे बता चुका हूँ कि अभी तक कहीं का अपडेट नहीं लाया गया है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर मैं सभी का वेबसाइट ओपन किया हुआ हूँ, ये है आपका मुजफ्फरपुर डायट कॉलेज है जो आप पढ़ता है रामबाग का, यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं लाया गया है। और चलिए दोस्तों आप बताता हूँ कि जो आपका पीडीएफ फाइल आया गया है, चलिए मैं थोड़ा उसे एनालिसिस कर लेता हूँ। दोस्तों देखते हैं ये रहा जो आपका प्रथम सूची चयन है, जो आपका विज्ञान के लिए सेशन 2020-22 का है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा समस्तीपुर पूसा का। यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स विज्ञान के लिए 75 लोग का दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 150 सीट है। देख सकते हैं यहाँ पर 75 कैंडिडेट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो समस्तीपुर पूसा का आपका कला विषय के लिए प्रथम चयन सूची 2020-22 का अपडेट कर दिया गया। चाहते हैं टोटल यहाँ पे 150 कैंडिडेट होंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा यहाँ पे टोटल आपका 150 कैंडिडेट है, और तो यहाँ पर भी आपको डिटेल बताया गया है। तो ये थी जो मैं पूरी तरह से क्लियर कर चुका हूँ। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना। तो वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।